नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नींबू का अचार। नींबू का अचार जब हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं तब 15 से 20 दिन लग जाते हैं नींबू के छिलके को सॉफ्ट होने में, पर आज हम एक घंटे में अचार रेडी करेंगे। बिना धूप के प्रेशर कुकर में बनाएंगे और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो एयरटाइट कंटेनर में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बस आप कंटेनर के अंदर गीली या अनाज वाली चम्मच ना डालें। अचार निकालने के बाद तुरंत ढक्कन लगा दे और जिस कंटेनर में आप अचार भर के रखे उसे एक दिन धूप में अच्छे से सुखा ले, उसके बाद ही अचार भरे। तो चलिए अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, नींबू का अचार बनाने के लिए हमें जो नींबू लेना है वो इस प्रकार से लेना है। ये देखिए, इस प्रकार से दबा दबा कर लीजिए। पतली चमड़ी वाले और येल्लो नींबू ही हमें लेना है। मैंने यहाँ पर टोटल 8 नींबू ले लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। अब हम नींबू को काट लेंगे। इस तरह से एक नींबू के हमें 8 हिस्से करने हैं। इस तरह से देखिए, हमने नींबू को कट कर लिया है, सभी नींबू को, और बीज भी निकाल लिया है। इसका रस जितना भी निकले फ्रेंड्स, ये देखिए, अंदर ही रहने देना है। अब हम नींबू को बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए मैंने गैस पर कुकर रख दिया है, उसमें थोड़ा पानी ले लिया है और एक रिंग रख दी है। आपके पास रिंग ना हो फ्रेंड्स तो आप बिना रिंग के भी बर्तन रख दीजिए। इस तरह से आप इस तरह से रिंग हटा लीजिए और डायरेक्ट बर्तन को भी आप रख सकते हो। और अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बॉईल करने के लिए ना हमने इसमें नमक ऐड करा है, ना चीनी, कुछ भी ऐड नहीं करना है हमें। और स्टील का बर्तन ही लेना है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम, लोहे का और पीतल का नहीं लेना है। ढक देंगे, इसको ढकना ज़रूरी है फ्रेंड्स, और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। मीडियम फ्लेम ही रखनी है फ्रेंड्स। ये देखिए, 6 सीटी बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया था। मीडियम फ्लेम पर 6 सीटी ले लेनी है हमें और इसकी हवा नहीं निकालनी है कुकर की, इसे अपने आप निकलने देनी है। और ये देखिए, जो प्लेट के ऊपर पानी है फ्रेंड्स, उसे धीरे से हटाना है, पानी बर्तन में अंदर नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, नींबू का अपना कितना रस निकलता है फ्रेंड्स, इसीलिए इस बर्तन को ढकना जरूरी है ताकि स्टीम का पानी अंदर ना जाए बर्तन में। धीरे से निकाल लेंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक स्टील का बर्तन ले लिया है फ्रेंड्स, आप स्टील का या नॉन स्टिक ही ले। और उसमें मैं 5 नींबू का रस निकाला हुआ डाल रही हूँ। आप लेमन जूस की जगह फ्रेंड्स पानी से भी चाशनी बना सकते हो, और थोड़ा सा लेमन जूस और पानी दोनों मिक्स करके भी बना सकते हो। पर फ्रेंड्स, यदि आप पूरी पानी से चाशनी बनाएं तो उसमें 1 चम्मच लेमन जूस जरूर ऐड करें ताकि चाशनी हमारी जमे ना। अब हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे लेमन जूस को। नींबू का रस थोड़ा सा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, और अब मैं इसमें चीनी मिला रही हूँ। जितने हमारे नींबू है फ्रेंड्स उतनी ही हमें चीनी लेनी है, लेमन की इक्वल ही लेनी है। और थोड़ा सा पानी, पानी थोड़ा सा ही ऐड करेंगे हम। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। टोटल 8 नींबू थे फ्रेंड्स, 300 ग्राम करीब, तो मैंने चीनी भी 300 ग्राम डाली है। और अब ये देखिए, सारी चीनी हमारी पिघल चुकी है। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आप सभी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें फ्रेंड्स। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काला नमक, 2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने दालचीनी, लौंग और काली मिर्च को पीस लिया था, मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपको अचार में रस जितना गाढ़ा रखना हो फ्रेंड्स, चाशनी को उतना पका लीजिए। चाशनी अच्छे से गाढ़ी कर लीजिए उतनी, पर याद रखिए फ्रेंड्स, ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होती है, इसलिए इसे थोड़ी सी देर ही पकाएंगे हम। और एक बात फ्रेंड्स, यदि आप पानी के साथ चाशनी बना रहे हो और उसमें नींबू का रस नहीं डाला है तो आप इसे ज़्यादा ना पकाएं, वरना चाशनी जम जाएगी। इसलिए 1 चम्मच या 1/2 नींबू का रस इसमें जरूर ऐड करें चाशनी बनाते समय। और अब ये देखिए, गाढ़ी हो चुकी है हमारी थोड़ी सी चाशनी। अब हम इसमें बॉईल किए हुए लेमन ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये ध्यान जरूर रखें फ्रेंड्स कि लेमन डालने के बाद बस 30 सेकेंड हमें गैस ऑन रखना है, या 1 मिनट
वरना नींबू के जो छिलके हैं वो कड़क हो जाएंगे। और अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, ठंडा कर लेंगे और फिर इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। नींबू का अचार हमारा रेडी है। आप इसे दूसरे दिन सर्व करें, ये बहुत अच्छा लगता है, या सेम डे ही खा सकते हो आप तुरंत, फिर भी ये अच्छा लगेगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि लेमन डालने के बाद एक मिनट में ही हमें गैस ऑफ कर देना है। चाशनी को जितना गाढ़ा करना हो फ्रेंड्स, नींबू डालने के पहले ही कर लीजिए। एक बार मेरे पास भी नींबू के छिलके कड़क हो गए थे, मैंने ज्यादा देर पका लिया था उसे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहले बनाया था और ये मैंने अभी बनाया है। इसमें नींबू के छिलके बहुत कड़क हो गए हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर मैंने इसे पका लिया था नींबू डालने के बाद, गैस ऑफ जल्दी नहीं करा था इसलिए। और इसमें देखिए अच्छे से सॉफ्ट है, छिलके कड़क हो जाते हैं फ्रेंड्स तो खाने में नहीं आते हैं और अचार भी कड़वा लगता है हमारा, इसलिए जल्दी गैस ऑफ कर दीजिए। हमारे यहाँ इस तरह से ज़्यादा रस वाला अचार ही पसंद किया जाता है फ्रेंड्स, और इस तरह से पतला रस ही चाहिए आपको, इस तरह से पतला रस ना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप इसे गाढ़ा कर लीजिए, चाशनी को ज़्यादा पका लीजिए, और जो मैंने नींबू का रस इसमें ऐड करा है, 5 नींबू का रस निकाल के, आप वो ना डालें, केवल 3 चम्मच पानी से ही इसे बना लीजिए। जो बातें मैंने बताई है उसे ध्यान में रखकर नींबू का अचार बनाएं तो आपका अचार भी परफेक्ट बनेगा। और एक बात, कुकर में 6 विसल लेने के बाद भी नींबू यदि सॉफ्ट ना हुए हो तो 2 सीटी और ले लें, और कुकर की फ्लेम स्लो ही रखना है, फुल फ्लेम पर हमें सीटी नहीं लेनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।